नमस्कार भारतवासियों, मैं हूं सोनू निगम और मैं इस समय दुबई से आपसे मुखातिब हूं। मैं जानता हूं कि आप भारत में हैं, लॉकडाउन में हैं, अपने घरों में बंद हैं। बंद ही रहिए दोस्तों, पूरी दुनिया एक बहुत ही कठिन समय से गुजर रही है। ऐसा कठिन समय जो उसके पहले इस पूरे विश्व ने कभी नहीं देखा। युद्ध हुए हैं, महायुद्ध हुए हैं, लेकिन महायुद्ध में भी चंद देश आपस में जुड़े हुए थे और भिड़े हुए थे। ये पहली बार है कि एक ऐसी महामारी फैली है जिससे पूरा विश्व हताहत हो गया है, कांप गया है और असमंजस में है कि वो करे तो क्या करे, इससे कैसे निपटे। भाई और बहनों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आप लोगों को संदेश दिया है और आह्वान किया है कि आप अपने घर में रुकें, घर में ही रहें, तो आप कृपया घर में ही रहें और घर से बाहर निकलें तो ये सोच के, समझ के और जान के निकलिए कि जब आप वापस आएंगे तो आपके साथ में एक मेहमान और भी हो सकता है, वो है कोविड-19। आप न केवल अपने आप को संकट में डाल रहे हैं या डाल सकते हैं, अपितु आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी माताओं को, बहनों को, पिता को, भाइयों को, सबको, दोस्तों को, सभी को आप संकट में डाल सकते हैं। कुछ समय की बात है, अगर आपको इस महामारी की भयानकता का एहसास न हो तो गूगल में जाके आप सिर्फ टाइप कीजिए इटली, और इटली में जो हाहाकार मचा हुआ है उस पे वीडियोस देखें, उनकी तस्वीरें देखें। सड़कों पर लाशें बिछी पड़ी हैं, आपको पता है, सड़कों पर लाशें बिछी हुई हैं, सड़कों पर हॉस्पिटल खुले हुए हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, सड़कों पर लोग बेड पर पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन लगाकर दवाइयां चल रही हैं उनकी, लोग रो रहे हैं, करहा रहे हैं, किसी को सर्दी लग रही है, किसी को गर्मी लग रही है। आप कृपया समझें कि इटली की आबादी हमसे बहुत कम है, बावजूद उसके वहां पर यह हालत है। अगर 1.3 बिलियन की आबादी का देश भारत इससे गुजरेगा तो क्या दुर्दशा होगी, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते और ना ही मैं इसका बयां कर सकता हूं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप अपने घरों में रहें। जनता कर्फ्यू के दौरान सभी ने उसका पालन किया, पर चंद लोग थे जो रस्ते पर उतरे, उन्होंने नाच गाना किया, बैंड बजाया, ढोल बजाए, थाली पीटी, एक साथ गले मिले, पिरामिड बनाए। इससे दिमाग की गरीबी का अंदाजा होता है और उसी वजह से एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना बहुत ही आवश्यक था, जो कि हमारी सरकार कर रही है। एक बार फिर मैं निवेदन करूंगा कि इस लॉकडाउन का पूरा पालन करें, घरों में रहें, ताकि जल्दी से जल्दी इस महामारी से हम मुक्त हों और मुझे मेरे वतन में फिर से आने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।